जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे दैनिक राशिफल की। दैनिक राशिफल में हम कुंभ राशि के 4 सितंबर 2021 के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के 4 सितंबर 2021 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्राश पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है, वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। मित्रों, प्रेम एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा एहसास है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सच्चा प्रेम जीवन को रंगों से भर देता है, संवार देता है, लेकिन झूठा प्रेम उसमें जहर भी घोल देता है। इसलिए प्रेम में अगर किसी पर भरोसा करना है तो करो, लेकिन अपने अंदर ये क्षमता भी रखो कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका को पहचान सको कि वो आपके साथ सच्चा प्रेम करता भी है या नहीं। किसी को अपने आप को सौंपें, उससे पहले ये जरूर जांच परख करें कि बाद में इसके क्या परिणाम होंगे। कहीं आपको धोखा तो नहीं दिया जा रहा है, कहीं बाद में आपको पछताना तो नहीं पड़ेगा। इसलिए जांचना और जानना दोनों ही बहुत आवश्यक हैं। चलिए आज 4 सितंबर 2021 के पंचांग की बात कर लेते हैं। 4 सितंबर 2021 विक्रम संवत 2078 दिन शनिवार, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी, 8:24 सुबह तक फिर त्रयोदशी रहेगी। नक्षत्र पुष्य रहेगा 5:45 सायंकाल तक, फिर अश्लेषा नक्षत्र रहेगा और राहु काल 9:19 से 10:52 तक रहेगा सुबह में, और अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:50 तक दोपहर में रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए और अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र है तो आज प्रदोष व्रत भी है। सूर्य सिंह राशि में रहेंगे और चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे और आपके छठे भाव में रहेंगे। तो चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे कुंभ राशि वालों के, तो आज के दिन आपका साहस बढ़ा रहेगा, पराक्रम रहेगा। और कोई पुरानी बीमारी अगर चल रही है तो आज के दिन आपको उसमें आराम दिखेगा और मान सम्मान अच्छा रहेगा। कोई रुका हुआ पैसा अगर आपका पुराना किसी से पेमेंट वगैरह लेना था तो वो आज के दिन मिल सकता है। अगर आपने कोई लोन वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो वो आज आपका पास हो सकता है, मिल सकता है। मान सम्मान बना रहेगा, आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परिवार के लोगों के साथ अच्छी तरह से दिन बीतेगा आज आपका। और नौकरी और व्यापारिक क्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों का सहयोग मिलेगा, घर में माहौल अच्छा रहेगा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। छोटी मोटी समस्याएं स्वास्थ्य की हो सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। निगेटिव यानी नकारात्मक रवैया के चलते आपको नकारात्मक चीज़ों से रुकना होगा, नकारात्मक सोच अपने से बाहर करनी होगी, वरना आगे आप दिक्कत में आ सकते हैं। ये इस बात को समझने का सही वक्त है कि आप अपने तनाव की आदत को, अपने सोचने की क्षमता को इस तरह से ना रखें जो आपको तनाव ज़्यादा हो। हालात में आप थोड़ा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव पहलू की तरफ ध्यान दें, सकारात्मक सोच रखें। लंबे समय से कोई आपके कार्य अटके हुए हैं और जो आपने कोई पैसा वगैरह दिया हुआ था या कोई ऐसा कार्य था जो आपका धन से जुड़ा हुआ अटका हुआ था, तो वो आज आपका पूरा हो सकता है। और प्रेम के मामले में आज आप थोड़ा सा गलत समझे जा सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका और जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है। आज आप जीवन साथी के वाद विवाद से बचने की कोशिश करें और वाद विवाद होता है तो उसको समझाएं, किसी तीसरे व्यक्ति का दखल अपने वैवाहिक जीवन में ना होने दें और किसी ऐसे इंसान के साथ समय ना बिताएं जिससे वाद विवाद बढ़े, जिसको आप पसंद ना करते हों और आप उसके साथ अपना समय खराब करें। आज के दिन किया गया दान पुण्य के काम आपको मानसिक शांति और सुकून देंगे। लंबे समय से अटके हुए कार्यों के लिए आज आप फैसला ले सकते हैं, नई योजनाएं आपकी आगे बढ़ेंगी। थोड़ा संयम के साथ चलना होगा,
सहनशीलता के साथ काम लें तो आज का दिन आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। समय भी आपको अनुभव देगा, आप जिस गति से चलना चाहते हैं उससे काम नहीं हो पाएंगे, थोड़ा तेज चलना होगा। अगर आप थोड़ा तेज चलेंगे, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। खुद को शांत रखवाने की किसी भी क्रिया के साथ दिन की शुरुआत करें, और योग व्यायाम भी कर सकते हैं, योग प्राणायाम के साथ कर सकते हैं। खुद को तनाव से मुक्त रखने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय मौसमी बीमारियां भी हो सकती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसलिए बाहर के खान पीन से बचें, बाहर का खाना ना खाएं, घर का भोजन खाएं, तले भुने भोज्य पदार्थों से के सेवन से बचें, और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग व प्राणायाम करें। और आप अपनी अच्छी सेहत को हल्के में ना लें। आपको ये समझना होगा कि छोटी मोटी समस्याओं को नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है, इसलिए आप छोटी मोटी समस्याओं के लिए भी आप अपना योग प्राणायाम करें, और समस्या ज़्यादा होती है तो डॉक्टर की मदद भी लें। व्यापार कारोबार में आज आपके नए लोगों से कॉन्टैक्ट बन सकते हैं, कामकाज बढ़ेगा और सहयोग भी मिलेगा। साथ के लोगों से आपको नए लोगों से भी अच्छे संबंध बनेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उनको आज कोशिश करनी चाहिए, उनको रोजगार मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी जल्दी ही सुधार होगा, और आपका धन के मामले में सुधार लाने में सफल हो जाएंगे। आपके सोचे हुए काम आज समय पर पूरे हो जाएंगे। पुरानी समस्याओं का समाधान आज आपको मिल सकता है। प्रेमी प्रेमिका के साथ मनमुटाव थोड़ा संभव है। एक दूसरे की भावनाओं को समझें ताकि आपके प्रेम संबंध मजबूती से आगे चलते रहें। आज आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे। आवेश में आकर अपने प्रेमी प्रेमिका से कोई ऐसी बातें ना करें जिनसे आपको दिक्कत हो। थोड़ा सा तनाव भी रह सकता है। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं पर विश्वास करना भी मुश्किल लगेगा। आपको अपने संबंध से एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका तनाव बढ़ सकता है जिससे आपको इस सोचने पर मजबूर कर देगा। सोच विचार के बाद आपको काफ़ी राहत महसूस होगी, और आप अपने आप और अपने पार्टनर के बारे में सही फैसला ले सकेंगे। आप स्वाभाविक रूप से शक्ति और अधिकार के लिए आकर्षित रहे हैं। इस वजह से हमेशा आपने ध्यान को कार्य में केंद्रित किया है। आपका मेहनत फल रंग लाएगी, और जो आपने मेहनत पर भरोसा किया है उसकी सफलता आपको मिलेगी। अपना धैर्य बनाए रखें, अपने समय के साथ चलें। आप अपने मन को व्यवस्थित एवं खुला रखें, और सबके साथ एक अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। उपाय की बात करें तो आज के दिन आप काले तिल, काला कपड़ा, लोहे के बर्तन, कोई छोटे मोटे बर्तन हो, उड़द की दाल हो, और ये सब दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में जाकर या शनि मंदिर के बाहर जो गरीब लोग बैठे होते हैं उनमें दान कर सकते हैं, और शनि देव की पूजा उपासना भी आज आपको करनी चाहिए, क्योंकि शनिवार का दिन है। और हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, उनको प्रसाद चढ़ा सकते हैं और गरीबों में बांट सकते हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, जो भी आपको अच्छा लगे उपाय इनमें से कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने कुंभ राशि के 4 सितंबर 2021 के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।